भारत ने इस 15 अगस्त को 75th इंडिपेंडेंट डे मनाया है और इस दिन ही महिंद्रा ने एक नए एसयूवी एक्सयूवी 700 को भी अनवीलिंग किया है। लेकिन आज हम एक्सयूवी 700 के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिंद्रा के एक बुलेट प्रूफ कार के बारे में जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। देश के भीतर शांति सुनिश्चित करने के लिए रक्षा बल के जवान कई वातावरण और परिस्थितियों का सामना करते हैं और ऐसे स्थितियों में उनकी मदद करने वाले कुछ बेहद सक्षम वाहन भी मौजूद है। तो इनमें से ही एक है महिंद्रा के एक बुलेट प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिंद्रा आर्मर्ड लाइट स्पेशलिटी व्हीकल एक बख्तरबन वाहन है जो B7 स्टैंक लेवल 2 तक बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान करती है। महिंद्रा की इस वाहन की खास बात यह है कि यह वाहन स्टैंडर्ड रूप में आगे, साइड, रियर और सारलगों के लिए स्टैंक 1 लेवल का बैलिस्टिक्स और ब्लास्ट सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन इसे स्टैंक लेवल 2 में भी अपग्रेड किया जा सकता है। इस वाहन को महिंद्रा द्वारा तैयार किया जाता है और इसी साल मार्च के महीने में रक्षा मंत्रालय से 1300 लाइट स्पेशलिटी वाहन को आपूर्ति का ऑर्डर भी कंपनी को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं महिंद्रा के इस शक्तिशाली वाहन की इंजन के बारे में। इस महिंद्रा के ASLV में 3.2 लीटर इनलाइन 6 टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो 212 bhp का पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इस वाहन को एक मॉड्यूलर वाहन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हाई तीव्रता वाले एरिया में और रेगिस्तान जैसे इलाकों में सांपे मारने के लिए और सीमा सुरक्षा को और भी बेहतर करने के लिए या फिर हथियार ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो महिंद्रा के इस ताकतवर वाहन के बारे में आपका क्या विचार है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वाहन की ही तरह आप ताकत लगाकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय भारत।